हेलो दोस्तों, आप सबको फिर से इन्फोटेक चैनल में स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ रजिस्ट्री के समय में जो संलग्न होने वाली ट्रेसिंग पेपर को हम कैसे बनाएं। अमीन का यही काम होता है रजिस्ट्री कराने में कि जमीन को सही सही पैमाइश करके उसे एक ट्रेसिंग या बटर पेपर में बनाकर उस पेपर में हम लोग उसको अटैच करते हैं। जब तक वो नहीं रहेगा तब तक रजिस्ट्री अमान्य रहेगा, होगा ही नहीं। तो वो ट्रेसिंग पेपर आप कोई भी रजिस्ट्री में देखें, पीछे उसका एक छोटा सा ट्रेसिंग पेपर में नक्शा बना हुआ रहेगा और उसमें सब जमीन की पूरा डिटेल रहेगी। ये है बटर पेपर, ट्रेसिंग पेपर। इसमें हम आपको आज बनाकर बताता हूँ वो कैसे बनाया जाता है। अभी तक उसकी कोई वीडियो नहीं बनाई है। यदि कोई इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, पहले तो हम जमीन पर जो है उसका हम लोग रकवा निकाल लेंगे। इसमें ये पूरा जमीन था। ये कितना प्लॉट नंबर था? 1972 हिंदी में लिखा हुआ है। 1972 नंबर के एक प्लॉट थे। इसमें से ये पार्ट 30 फीट, इधर 28 फीट, इधर 70 फीट, इधर 60 फीट का एक जो प्लॉट है वो कोई खरीद रहे हैं और इसको इसमें रजिस्ट्री कराना है। और रजिस्ट्री कराने के लिए उसे अमीन के से वो ट्रेसिंग पेपर में बनवाना चाहता है। तो उसे हम कैसे करेंगे? सबसे पहले इसकी हम लोग रकवा निकाल लेंगे। रकवा के लिए तो मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ, फिर भी एक जल्दी से बना लेते हैं। इसमें चौड़ाई एक साइड 30 फीट है, एक साइड 28 फीट है। तो इसको हम लोग 30 फीट प्लस 28 फीट का एवरेज बना लेंगे, 2 से गुणा कर लेंगे। इधर एक 60 है, एक 70 है। 60 प्लस 70 का एवरेज निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 28 का हो जाएगा 29 फीट गुना 65 फीट एवरेज। आप औसत उसका निकालेंगे तो इतना बराबर कितना हो जाएगा? 29 गुना 65, ये आपका हो गया 1885 वर्ग मीटर, वर्ग फीट, सॉरी वर्ग फीट। तो वो पेपर में तो डिसमिल में होना चाहिए या तो कट्ठा में होना चाहिए, तो इसको 1885 को हम डिसमिल में करेंगे तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 435.6 से। कितना आ जाएगा? 435.6 क्यों होता है एक डिसमिल में? मैंने वीडियो बनाया है, आप उसे अच्छी तरह देख लें। 4.327 डिसमिल आ गया। कितना आ गया? 4.327, मतलब 4 डिसमिल। इसमें आपको पूरा क्लियर लिखना पड़ेगा, दशमलव में नहीं, आपको वर्ग फीट में लिखना पड़ेगा। तो हम इसे वर्ग फीट में बना लेंगे। 4.327 को कितना से गुणा करेंगे? 435.6 से। तो कितना आ जाएगा? माइनस, इसमें 4 नहीं रहेगा, पॉइंट रहेगी, सॉरी। तो हम लोग 0.327 को हम लोग मल्टीप्लाई किए 435.6, ये आ गया 142.5 वर्ग फीट। कितना आ गया? 142.5 वर्ग फीट। ठीक है, तो इसमें अभी हम क्या लिखेंगे? टोटल 4 डिसमिल, 142 वर्ग फीट। ठीक है, चलिए ये समझ लिए। अभी हम लोग ट्रेसिंग पेपर पे करेंगे।
ट्रेसिंग पेपर पे सबसे पहले हम लोग उसको यहाँ पे लाइन लिख देंगे, लाइन बना देंगे। और इसके हाशिए में एक उतार लाइन बना देंगे। उतार लाइन कैसे बनाया जाता है? एक सीधी लाइन खींचेंगे, इसमें इस तरह से इसका उत्तर लाइन बनेगा। ऊपर उत्तर या नॉर्थ लिखा जाएगा और इसे जो है लाल पेन से ऐसे कर देंगे, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, है ना। एक चीज इसमें और है, इसे कोई भी बॉल पेन वगैरह से नहीं बनाया जाता है, इसे ए पेन से ही बनता है, पायलट का पेन या लग्जर का पेन हो गया। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो इसमें पहले लाइन बना देंगे हम लोग बराबर दूरी पे करके। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जिला, जो जमीन बिकने वाला है वो जिला क्या है। तो हम लोग यहाँ जो भी अपना जिला रहेगा, इसमें मैं लिख दिया हूँ रांची, ठीक है। जिले के नीचे मौजा, मौजा मीन्स जो गांव कॉलोनी है उसका नाम, मौजा क्या हो गया, जो भी है एक नाम लिख देता हूँ। कल्याणपुर। अब इसका तौजी नंबर यानी थाना नंबर, अब इस जो मौजा है किस थाना के अंतर्गत आती है उसका थाना नंबर लिखना पड़ेगा। अब ये जो खेत हम लोग खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उसका जमीन का विवरण, खाता नंबर 49 लिख दिए। अब खेसरा यानी कि प्लॉट नंबर, खेसरा नंबर कोई भी दे दीजिए जो उसका है। मान ले कि पूरा हम लोग का कितना था, चलिए इसमें ठीक है अभी लिख दिए 1972 लिखना चाहिए था, ठीक है। इसमें जो भी है 487 लिख दिए, लेकिन हम लोग तो पूरा खेत इसमें ले नहीं रहे हैं तो उसका पार्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पे पार्ट आपको लिखना पड़ेगा, नीचे लिखना पड़ेगा रकबा, कितना रकबा है। तो रकबा को डिसमिल वर्ग फीट, डिसमिल हम लोग का कितना निकला था 4, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4 डिसमिल 142.5। वर्ग फीट, समझ गए, ठीक है। अब इसमें हम लोग को नक्शा बनाना पड़ेगा, जैसी प्लॉट है
इसमें पहले हम लोग का कैसा था? चलिए ठीक है, प्लॉट हम कैसे बनाएंगे? इधर से 70 था, तो 70 फिट करेंगे तब तो इतना ही आएगा। मैं वहाँ एक पीछे वीडियो बनाया था, आरएफ क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, 1:10 या 1:50, तो वो तो आप लोग बहुत कम ही है देखे हैं, उसे देख लीजिएगा। तो इसको हम बना रहे हैं 1:10 पे करेंगे तो 30, ठीक है। 1:00 हम इसमें करते हैं 30, मतलब 1 फीट बराबर 30 फीट। तो इसमें हम लोग 30 बड़ा हो जाएगा, 1:10 करेंगे, मतलब वो भी बड़ा हो रहा है, काहे कि हम लोग का 70 फीट है, तो 70 फीट को 700 फीट, 700 फीट मीन्स 1 फीट से एक काम करते हैं, कड़ी से करते हैं, क्योंकि एक के जरीब में 66 फीट होते हैं, कड़ी से हम लोग किया जाए। वन रेशियो फाइव पे करेंगे, है ना? तो उसको मैं बताता हूँ, यहाँ से लेके 5 से करेंगे तो 10 हम करेंगे तो 70 × 700, उससे आधा करेंगे तो 350। तो हम लोग को 350 एक लाइन हो गया, है ना? एक साइड 28 है, तो 28 × यदि 1:10 पे करेंगे तो 280 फीट, लेकिन हम लोग उसका आधा करेंगे 105 फीट। सेम इधर का भी 30 फीट था, तो 30 × 300 यानी 150 करेंगे, इसको हम लोग मैच कर देंगे। ठीक है, ये जमीन तो हम लोग का बड़ा था, ठीक है। अब इसके आगे का क्या है उसका बताना पड़ेगा। इसके इधर रोड थी, तो रोड का भी हम लोग इसमें दिखाएंगे। जिधर से इसकी एक्सिस है, इसको हम लोग बहुत थोड़ा छोटी स्केल पे करेंगे, ये आगे जाके क्या है, बड़ा रोड में मिल जाती है, ठीक है ना? तो ये था हम लोग का 15 फीट, रोड है, ये है हम लोग का 45 फीट का, ओके। इसको जो है, जो हम लोग प्लॉट खरीदे, अभी तो इसमें मैंने प्लॉट नंबर लिख दिया हूँ 487,
ए है आपका 487। ये जो हम लोग अभी प्लॉट लिए इसको आपको रेड कलर से बहुत सावधानी से इसको ऐसे दिखा दीजिए, ठीक है। इसमें हम लोग का फीट वगैरह यहाँ हम लोग नहीं लिखेंगे अभी, इसके डिटेल जो है इसका बगल में बना देंगे। ये हम लोग का 1:10 में बना देंगे, इसमें 5 में था। तो यहाँ दो जरीब जो भी है, ये हम लोग का 28, ऊपर थे 30, यानी कि इसको हम लोग मिला लेंगे। इसमें अब जैसा जैसा था इसमें हम लोग लिखेंगे 30 फीट, 28 फीट, ये जो भी है 70 फीट, ये 60 फीट, ठीक है। इतना होने पे यहाँ एक नोट से लिख देंगे, प्लॉट शोन इन रेड कलर, नीचे सिग्नेचर। इस प्रकार मेंशन किया जाता है। फिर से एक बता देते हैं, एक नॉर्थ लाइन बना दीजिए हाशिए में, यहाँ जिला, मौजा, थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, उसका क्या रकबा है। पहले एक छोटा मैप पे बना लीजिए, उसकी आजू बाजू कहाँ सराउंडिंग है, क्या एक्सिस है। उसके बाद जो प्लॉट है उस प्लॉट को बड़ा में स्केल में बना लीजिए, इसको ऐसे दिखा दीजिए सीधा सीधा करके आराम से। अभी तो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, ठीक है। धन्यवाद, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।